तो ये दज्जाल सारे मामलात करेगा और गैर मामूली सलाहियतों के साथ ये चल रहा होगा। और मुकाम लुद्ध, हेलो फ्रेंड्स, सत श्री अकाल, अदाब, नमस्ते, वेलकम बैक टू आवर चैनल इलाही रिएक्शन। आज हम लेकर आए अपनी वीडियो पर रिएक्शन जिसमें हम रिएक्ट करने वाले हैं इमाम मेहदी एंड दज्जाल आर अबाउट टू कम इन द वर्ल्ड। तो ये एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है। अभी हमने कुछ दिन पहले इमाम मेहदी की एक वीडियो देखी थी जिसमें हमें पता चला था कि जब इमाम मेहदी आएंगे तब कयामत आएगी। तो दैट मींस कि वो टाइम आने वाला है, कयामत का टाइम आने वाला है। उस वीडियो से हमें मतलब ये समझ में आया था। तो आज की वीडियो में जो है वो है कह रहे हैं इमाम मेहदी एंड दज्जाल। दज्जाल कौन है ये भी आज की वीडियो से पता लगेगा। और सबसे बड़ी बात कि वो आने वाले हैं दुनिया में। तो मतलब बहुत ही बड़ा टॉपिक है हमारे लिए। तो देखते हैं कि आज की वीडियो में क्या, फिर इसके बारे में बात करें। बिल्कुल, कयामत के बारे में जब भी हम इस टॉपिक के बारे में बात करते हैं तो हमेशा डर लगता है, क्योंकि ये शब्द ही ऐसा है जिसे मतलब हर वक्त हमारे दिमाग में रहता है कि कयामत क्या होती है, कयामत आएगी तो क्या होगा। तो ऐसे में हमने अपनी लास्ट वीडियो की थी जिसमें उन्होंने बताया था कि जब कयामत अपने जोरों पर होगी तब इमाम मेहदी जी जो है वो जन्म लेंगे और इनका अवतार आएगा इस दुनिया में। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हमने जानी थी, लेकिन आज की इस वीडियो में दो नाम है इमाम मेहदी जी और दज्जाल जी का। तो देखते हैं इस वीडियो में और क्या क्या जानकारी हमें मिलने वाली है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। अली भाई, अब हम आते हैं अपने दूसरे टॉपिक पे जो हमने शुरू में जिस पे बात की थी, फितना दज्जाल, इमाम मेहदी का ज़हूर, याजूज माजूज। ये जरा पहले आप थोड़ा सा बता दें, फितना दज्जाल है क्या, दज्जाल की क्या निशानियां हैं, कब आना है, कुरान और हदीस की रोशनी में क्या है, और फितने दज्जाल और इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का आपस में क्या ताल्लुक है। देखें, जो कुर्बे क़यामत की ख़बरें हैं ना, वो अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने दी और बड़ी तफसीर के साथ बुखारी मुस्लिम में आई हैं। मिशकात में आपको तीसरी जिल्द के अंदर ना ये सारी टॉपिक वाइज मिल जाएंगी, अलामात क़यामत और दज्जाल का आना, हज़रत ईसा इब्ने मरियम का आना, याजूज और माजूज वाला मामला, ये सारी तफसीलात आपको उसमें मिल जाती हैं। सबसे पहले समझ लें कि क़यामत की सबसे बड़ी निशानी जो है वो रसूलल्लाह की बेइज्जती है दुनिया में। ज़ाहिर है कि हज़ारों साल की इंसानी तारीख के अंदर जब आखिरी पैगंबर आए और उनके बाद अब क़यामत ही आनी है, तो रसूलल्लाह की बेइज्जती, नबी अलैहिस्सलाम का दुनिया में आना, ये क़यामत की सबसे बड़ी निशानी है। मुस्लिम शरीफ के अल्फाज हैं कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं और क़यामत इस तरह साथ भेजे गए जैसे ये दो उंगलियाँ। ठीक है, तो क़यामत की सबसे बड़ी निशानी आखिरी पैगंबर का आना है। अच्छा, क़यामत की दूसरी बड़ी निशानी चांद का दो टुकड़े होना है, जो सूरतुल कमर में जिक्र है, नबी अलैहिस्सलाम के लिए अल्लाह ने वो मौजज़ा जाहिर किया। फिर बुखारी मुस्लिम में क़यामत की 10 बड़ी बड़ी निशानियां आई हैं, उसमें दाबतुल अर्द का निकलना, याजूज माजूज का निकलना, दज्जाल का निकलना, और इस तरीके से एक धुएं का उठना, और मगरिब से सूरज का निकलना, हज़रत ईसा इब्ने मरियम का दुनिया में आना, ये बड़ी बड़ी निशानियाँ, और ये एक तरतीब के साथ निशानियाँ आएंगी। लेकिन मुसलमानों का ज़्यादातर इंटरेस्ट जो है वो दज्जाल के केस में होता है कि दज्जाल जो है ये सबसे बड़ा फितना है। ज़ाहिर बुखारी मुस्लिम में आया कि कोई पैगंबर ऐसा नहीं गुजरा जिसने अपनी उम्मत को दज्जाल के फितने से ना डराया हो। और नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया हज़रत आदम से लेकर क़यामत तक सबसे बड़ा अगर कोई फितना है ना, वो दज्जाल का फितना है। ठीक है, ज़ाहिर वो दज्जाल है, वो एंटी क्राइस्ट है, मसीह, मसीह दज्जाल हम उसे कहते हैं, यानी झूठा मसीह जो ईसा मसीह के मुकाबले पे आएंगे। ये तो मुसलमानों का इत्तफाकी अकीदा है। बुखारी मुस्लिम में हदीस है, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम्हारी क्या शान होगी जब तुम में ईसा इब्ने मरियम आदिल हुक्मरान की हैसियत से उतरेंगे, खिंजीर को कत्ल कर देंगे, जिजिया मौकूफ कर देंगे, और अहले किताब इस्लाम कबूल कर लेंगे, और तुम्हारी खुशनसीबी के इमाम तुम में से होगा, वो उसके पीछे नमाज पढ़ेंगे। और मुस्लिम शरीफ में अल्फाज है कि वो रावी हदीस कहते हैं कि वो तुम्हें अल्लाह की किताब और तुम्हारे नबी की सुन्नत के मुताबिक चलाएंगे। वो उम्मती की हैसियत से आ रहे हैं। हाँ, ये जो कादियानियों ने एक ढकोसला किया हुआ ना कि आपने बनी इसराइल से एक उधारा नबी लिया, सरकार हमने उधारा नबी नहीं लिया, इनकी पेशगोइयां थी, ये नबी बन के नहीं आ रहे, उम्मती बन के, लेकिन नबूवत नहीं उनकी छीनी होगी, क्योंकि अल्लाह ताला जब किसी को नबी बनाता है नबूवत तो नहीं, वो टाइटल तो उनको पहले से मिला हुआ है। अगर वो इस उम्मत में रसूल या नबी बन के आ रहे होते तो अपनी शरीयत लेके आते ना, वो तो कुरान के मुताबिक चलाएंगे, वो रसूलल्लाह के उम्मती की हैसियत से, और वो इसलिए कि उनसे पहले एक इस्लामिक सिस्टम बन चुका होगा जिसकी लीडरशिप इमाम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अल महदी के हाथ में होगी,
जो मुसलमानों को लीड कर रहे होंगे। अबू दाऊद में, मुसनद अहमद में हदीस है, क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक कि मेरी बेटी फातिमा की औलाद में से एक शख्स ना पैदा हो जाए जो मेरे नाम पर मोहम्मद बिन अब्दुल्ला उसका नाम होगा, पूरी दुनिया को इंसाफ से भर देगा। ठीक है, ये नबी इस्लाम की पेशगोई है और इमाम महदी के आने के ऊपर इजमाए उम्मत है, सुन्नी शिया का इत्तेफाक है। वो थोड़ा सा जो इख्तलाफ है वो कहते हैं वो गायब है, ज़ाहिर होंगे, अहले सुन्नत कहते हैं वो पैदा होंगे। एंड रिजल्ट ये कि दोनों एक ऐसी पर्सनैलिटी को मानते हैं जिसने आके कुर्बे क़यामत में मुसलमानों को लीड करना है। ठीक है, वो लीड करेंगे, नबी इस्लाम की अहले बैत में से होंगे, सईदा फातिमा की औलाद में से होंगे और अल्लाह ताला उन्हें गैर मामूली सलाहियतें देगा जिसकी वजह से वो मुसलमानों को रूल करेंगे। और उसी दौरान उनकी हुकूमत के अंदर ही दज्जाल का ज़ुहूर होगा। दज्जाल इस वक्त भी दुनिया में मौजूद है, ठीक है, सही मुस्लिम में है, तमीम दारी ने उसको देखा था और नबी अलैहिस्सलाम ने उसकी तस्दीक की। ठीक है, जंजीरों में जकड़ा हुआ है, वो जब अल्लाह ताला चाहेगा वो जाहिर हो जाएगा। ये कहते हैं ना एक सिस्टम का नाम है, सिस्टम तो है, जाहिर है दज्जाली सिस्टम तो अभी भी मौजूद है, लेकिन इस सिस्टम का एक नुमाइंदा बन के आएगा वो, एक आंख उसकी होगी, जिस तरह ये सिस्टम भी सिर्फ मादा की आंख रखता है, रूहानियत की आंख नहीं रखता, लेकिन इसका एक नुमाइंदा, एक फिजिकल, एक पर्सनैलिटी भी है। उसका इनकार मुमकिन नहीं है। और वो दज्जाल जब आएगा तो जाहिर है कि यहूदी एक क्राइस्ट के इंतजार में है, वो आके यरूशलेम में उन्हें तौहीद सिखा के चला गया, इन्होंने उसे वरदुल हराम और दज्जाल डिक्लेयर किया नऊज बिल्ला ईसा इब्ने मरियम को। और अब जब एंटी क्राइस्ट झूठा दज्जाल आएगा, ये उसे अपना मसीह मान लेंगे, ठीक है, और उसके साथ मिलकर ये मुसलमानों के खिलाफ साजिशें करेंगे। अब दज्जाल को अल्लाह ताला ने गैर मामूली सलाहियतें दी होगी उम्मत की आजमाइश के लिए। कहते हैं ऐसे कैसे हो सकता है, शैतान के पास थोड़ी सलाहियतें हैं, बुखारी मुस्लिम में हदीस है, शैतान तुम्हारे खून में भी दौड़ता है, ठीक है, किसी को भी वसवसा दिला सकता है। तो दज्जाल को अल्लाह ताला ने क्वालिटीज़ दी हैं जो बुखारी मुस्लिम में आया कि उसके हुक्म से बारिश बरसेगी, जमीन सब्जा उगाएगी, और उस जमाने में एक कामिलुल ईमान मोमिन उसके सामने खड़ा होगा और वो कहेगा तू दज्जाल है, वो कहेगा मैं तुझे कत्ल करके दोबारा जिंदा करूंगा, और वो दो टुकड़े उसके करेगा और दो टुकड़ों के दरमियान चलेगा और फिर उसे जिंदा कर लेगा और कहेगा अब मुझे मान कि मैं तेरा खुदा हूं, तो कहेगा कि तेरे इस अमल ने मेरे ईमान में इजाफा किया है, मेरे नबी ने मुझे फरमाया था, मुझ तक हदीस पहुंची थी कि वो एक मोमिन के साथ ऐसा करेगा, अब तू दोबारा इस पर कादिर नहीं होगा, ठीक है, और वो फिर उस मोमिन को कत्ल करवा देगा, अपने वो जहन्नम और जन्नत साथ लेके चलेगा, वो जो जहन्नम है असल में उसकी जन्नत, वो अल्लाह के हाँ वो जन्नत होगी, उसे जहन्नम में फेंकेगा वो अल्लाह की जन्नतों में बंदा पहुंचेगा। लेकिन नबी इस्लाम ने फरमाया वो सबसे बेहतरीन शहीद होगा उस जमाने का। तो ये दज्जाल सारे मामलात करेगा और गैर मामूली सलाहियतों के साथ ये चल रहा होगा। और मुकाम लुद जिसपे 60s में बहुत बड़ा एयरपोर्ट बनाया इसराइल ने, एक गांव को इतना बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना दिया, दुनिया को समझ नहीं आ रही थी कि इस गांव में क्या, वो अब दुनिया को समझ आ गई है कि ये दज्जाल की तैयारियां हैं, क्योंकि मुस्लिम शरीफ में मौजूद है मकाम में लुद पे ईसा इब्ने मरियम उसे कत्ल करेंगे। एंड मुमकिन है कि वो एयरपोर्ट पर किसी जहाज में फरार हो रहा हो और एयरपोर्ट पर पकड़ा जाए। अब दज्जाल का फितना इतना बड़ा है कि इमाम महदी के काबू नहीं आएगा, उसके लिए कोई ज्यादा पावरफुल पर्सनैलिटी चाहिए। तो उस वक्त फिर मुस्लिम शरीफ में आता है कि ईसा इब्ने मरियम दिमश्क के मशरकी मीनार के ऊपर दो जर्द चादरें ओढ़े हुए फरिश्तों के परों पे हाथ रखे हुए आएंगे। अच्छा, वो उस मीनार तक तो फरिश्तों के साथ आएंगे, नीचे फिर सीढ़ियों से उतरेंगे, दुनिया को अल्लाह ने इस बाप के साथ जोड़ा, ठीक है, हाँ, ऐसे नहीं उड़ के उतरेंगे, दुनिया में आएंगे तो सब कुछ खत्म। अच्छा, वो उतरेंगे और इकामत हो चुकी होगी, मुसलमानों का अमीर नमाज पढ़ाने लगेगा और वो देखेंगे ईसा इब्ने मरियम है तो वो मुसल्ला छोड़ देंगे। तो ईसा इब्ने मरियम कहेंगे कि नहीं, ये एजाज़ है तुम्हारे लिए कि तुम में बाज बाज के इमाम होते हैं, मैं तुम्हारे पीछे नमाज पढ़ूं। तो वो एक नमाज इमाम महदी के पीछे पढ़ेंगे, लेकिन मुस्लिम शरीफ में आता है बाद में फिर वो लीडरशिप हजरत ईसा इब्ने मरियम के हवाले करेंगे, फिर ईसा इब्ने मरियम ही मुसलमानों को लीड करेंगे, वही नमाज पढ़ाएंगे, इमाम मोहम्मद महदी उनके असिस्टेंट के तौर पर होंगे, लेकिन ईसा इब्ने मरियम को अल्लाह ने गैर मामूली सलाहियत दी होगी उनके सांस की वजह से। मुस्लिम शरीफ में आता है कि दज्जाल जो है वो नमक की तरह पिघलेगा, वो आगे आगे भागेगा, जिधर जिधर हजरत ईसा इब्ने, यानी जो पहले जिसने सबको आगे लगाया हुआ था वो ईसा इब्ने मरियम के आगे लगा होगा, फिर मुकाम में लुद पे पाके ईसा इब्ने मरियम उसे कत्ल करेंगे, इस फितने से छुटकारा होगा, फिर या झूठ मजूठ निकल आएंगे। अच्छा, और वो तो फिर इस तरह फैलेंगे कि वो तमाम सब्जा खा जाएंगे और पानी पी जाएंगे
یہ مسلم شریف میں تفسیر کے ساتھ احادیث موجود ہے، حتیٰ کہ عیسیٰ ابن مریم کی دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کی گردنوں میں کیڑے ڈالے گا اور وہ مر جائیں گے، ٹھیک ہے، پھر ان کی تعفن جو زدہ لاشیں ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ پرندے بھیجے گا جو ان لاشوں کو اٹھائیں گے، اور ان کے جو اسلحہ ہے یا تیر ہے یا جتنی بھی چیزیں ہیں مسلمان کئی سال تک اسے ایندھن کے طور پہ استعمال کریں گے، تو یہ سارے معاملات چلتے رہیں گے، پھر عیسیٰ ابن مریم دنیا میں انصاف قائم کر دیں گے اور ہر طرف انصاف کی ریل پیل ہوگی، 40 سال وہ یہاں دنیا میں گزاریں گے اور نبی الاسلام کے ساتھ دفن ہوں گے قبر رسول میں، یہ ویڈیو میں ہم نے سنا تھا کہ 40 سال تک دنیا میں، اور وہ اسی اپنی جو ڈسینڈنگ ہے اس میں انہوں نے شادی بھی کرنی ہے، ابھی تو کنوارے ہیں نا، 25 سال کی عمر میں اٹھا لیے گئے، تو شادی کریں گے، ان کے بچے ہوں گے، لیکن پھر عیسیٰ ابن مریم کے جانے کے بعد پھر وہی ڈاؤن فال جو انبیاء کے جانوں کے بعد ہوتا ہے، کرتے کرتے پھر اس قدر بے حیائی پھیلے گی کہ لوگ اعلانیہ بدکاری کریں گے، پھر ایک دن خوشبودار ہوا چلے گی، مسلمانوں کی بغلوں کے نیچے سے گزرے گی، تمام مسلمانوں کی روح اللہ تعالیٰ قبض کر لے گا، دنیا پہ صرف کافر رہ جائیں گے، ان پہ قیامت قائم ہوگی، کیونکہ مسلم شریف میں حدیث ہے جب تک ایک بھی اللہ کا نام لینے والا موجود ہے نا دنیا میں، اللہ تعالیٰ اس ایک بندے کی وجہ سے بھی قیامت قائم نہیں کرے گا، یہ پروٹوکول ہے ایک مومن، صرف کافروں کے اوپر قیامت قائم، تو یہ سارا اس کی زمانی ترتیب ہے ان سارے معاملات، تو یاجوج ماجوج ابھی موجود ہیں؟ جی موجود ہیں، لیکن یہ جو ہمارے ماڈرن اسکالرس ہیں نام لیے بغیر پاکستان میں بھی ہیں اور کچھ ادھر ادھر بیٹھے ہوئے ہیں جو اس کے اندر ضربے تقسیمیں لگا رہے ہیں، تو میرے خیال ہے اس طرح کی تباہ آزمائی آپ لوگوں کو نہیں کرنی چاہیے، اور جس طریقے سے آپ ان معاملات کو لے کے چل رہے ہیں، دیکھیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیبی پردہ رکھا ہوا، جس طرح عذاب قبر بھی ہو رہا ہے ہمیں نظر نہیں آ رہا، یہ کوئی اس طرح کا فزیکل معاملہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ جب چاہے گا ان کو ظاہر کرے گا، اسی دنیا میں موجود ہیں، اور بعض لوگوں نے کہا یہ چائنیز ہیں، بعض نے کچھ کہا، بعض نے کہا نہیں جی کوئی کسی دوسرے سیارے سے اتر آئیں گے اور یہ ہوگا وہ ہوگا، میرے خیال ہے انتظار کر لیں آنے کا، ہمیں ہمارے نبی الاسلام نے یہ بتایا کہ آپ نے ان فتنوں سے بچنا کیسے، صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ سورۃ الکہف کی پہلی 10 آیات یہ تمہیں دجال کے خلاف کفایت کریں گی، یہ یاد کریں اور انہیں پڑھا کریں وقتاً فوقتاً، بس اس میں رہیں، اب مجھے بتائیں امام مہدی کے انتظار میں اور دجال سے متعلق گفتگو سن سن کے اس میں سے آپ نے نکالنا کیا ہے، جب تک وہ آ نہیں جاتے آپ کیا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، امام مہدی کا انتظار تو ماشاءاللہ اس وقت سے امت کر رہی ہے جب سے ان کی امپائر ختم ہوئی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، تو انہوں نے اپنا کام آپ امام مہدی کے اوپر ہی ڈال دیا، یہ نہ کریں، باقی معاملات بھی آپ خود کر رہے ہیں نا، آج تک کسی نے کہا کہ امام مہدی آئیں گے تو وہ میرے بیوی بچوں کا خرچہ لگائیں گے، ویلفیئر اسٹیٹ ہوگی، نہیں وہاں رزق حلال کماتے ہیں، اسی لیے پھر جو مسلمانوں کے بڑے بڑے تھنکرز جب کبھی مایوس ہوتے تھے نا تو وہ کہتے تھے یہ سب سے بڑا جو مسئلہ ہے نا وہ امام مہدی کا ہے، ڈاکٹر اقبال نے بھی مہدی کا انکار کر دیا اس وجہ سے کہ یہ مہدی کے کانسیپٹ نے امت کو جو ہے نا وہ میں پنجابی والا لفظ نہیں وہ والا استعمال کرنا چاہتا ٹرانسجینڈرز کے لیے جو یوز ہوتا ہے یہ وہ کر دیا ہوا ہے، یہ امت جو اپنا کام چھوڑ کے نا سب کچھ مادی کے اوپر ڈالے بیٹھے، ٹھیک ہے جب آئیں گے تو دیکھی جائے گی، اللہ کے بندوں اللہ نے آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ آپ نے گیون سرکمسٹانسز کے اندر کیا کیا، وہ اپنی بیسٹ پرفارم کریں، لوگوں کو عقیدہ توحید سکھائیں، ختم نبوت سمجھائیں، دین پہ چلنے کا بتائیں، اسلامک نظام کے بارے میں بتائیں، اس کے لیے راہ ہموار کرنے کی کوشش کریں، وی لاگس کے ذریعے نہیں پریکٹیکلی جس طرح ہم اللہ کے فضل سے کوشش کر رہے ہیں، گراس روٹ لیول کے اوپر قرآن کے ساتھ لوگوں کو جوڑیں اور اصلاح کرنے کی کوشش کریں، جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہے کہ دمشق میں ان کا نزول ہوگا، تو امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں بھی کوئی ہے کہ کس علاقے میں یا کس خطے میں آئیں گے یا قرآن حدیث کی روشنی میں کچھ ایسا نہیں، ظاہر عرب کی سرزمین میں آئیں گے یہ حدیث میں آتا ہے، اور ان کے سپورٹر یہاں سے جائیں گے، وہ دلائل النبوہ میں آتا ہے، مسند احمد کے اندر المستدرک للحاکم کے اندر موجود ہے کہ جب تم خراسان سے کالے جھنڈے آتے ہوئے دیکھو تو اس میں اللہ کا خلیفہ مہدی بھی ہوگا، ان کا استقبال کرنا، تو وہ ہوں گے تو مطلب عربی ان نسل سید ہوں گے، سپورٹر یہاں سے ان کے لیے جا رہے ہوں گے یقیناً، اور لیکن مطلب وہ کوئی پن پوائنٹ نہیں کر سکتا کہ وہ کس وقت انہوں نے آنا ہے، یہ وہ چیزیں بتائی نہیں گئی ہیں، ٹھیک ہے، لوگ تو ہر زمانے میں اپنی پیشن گوئیاں کرتے تھے اور وہ وقت کے ساتھ ساتھ غلط ثابت ہوئی ہیں، تو میرے خیال ہے میں تو اس طرح کی کوئی حرکت نہیں کرتا کہ میں آپ کو کوئی ڈیٹ بتا دوں یا یہ بتا دوں، ہو سکتا ہے کئی 100 سال اور لگ جائے، ہمیں تو نہیں پتا، بہرحال سفر شروع ہو گیا، کیونکہ دیکھیں 800 سے 1000 سال پہلے آلموسٹ دنیا سے مسلمان ملک ختم ہو چکے تھے، ہم محکوم تھے، پھر وہ برٹش امپائر ٹوٹی، آہستہ آہستہ مسلمانوں کے اس وقت 60 کے قریب ملک ہیں، 800 سے 150 سال پہلے تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے، سلطنت عثمانیہ کے ٹوٹنے کے بعد تو بالکل ایک مایوسی کی کیفیت تھی، لیکن دوبارہ سے ایک جب سے ملک بننا شروع ہوئے تو ہمیں کچھ امید لگی ہے، پھر آج لوگ دین پہ زیادہ چل رہے ہیں ایز کمپیئر ٹو آج سے پچھلے 1200 سال میں آپ دیکھ لیں،
यानी इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश इस पूरी टेरिटरी के अंदर कुरान का तर्जमा ही नहीं था। आज हमारे बच्चों को पता है कुरान में क्या लिखा हुआ है, लेकिन इन बच्चों के परदादों को नहीं पता था। कुरान उन्होंने जुबानी याद किया था, लेकिन उन्हें ये नहीं था पता कुरान में क्या लिखा। तो मेरा ख्याल है इस्लाम की नशत सानियाँ हो चुकी है। बुखारी मुस्लिम सिर्फ उलमा पढ़ते थे, और वो भी बस सेलेक्टिव स्टडी, उस पर अमल करने के लिए नहीं। अमल उन्होंने फिका हनफी पे करना होता था, क्योंकि अगर इस पर अमल करना होता तो रुखुलैन से नमाज पढ़ते तो नहीं करते थे। लेकिन आज बच्चों ने डायरेक्ट जो सोर्स है नॉलेज का उसकी तरफ ट्रैवल किया। तो मेरा ख्याल है अब इसके आगे कोई बंद नहीं बांध सकता। मुझे उम्मीद है कि नशत सानिया का आगाज़ हो चुका है। आप देखें पाकिस्तान बनने से पहले आप मोहम्मद अली जिन्ना के जलसों में देखें, बहुत कम लोग आपको दाढ़ियों वाले नजर आएंगे, और नौजवान तो दाढ़ी बिल्कुल नहीं रखते थे। खुद मौदूदी साहब की दाढ़ी कोई नहीं थी, इन्होंने बाद में रखी है। इतना बड़ा थिंकर मुसलमानों का, डॉक्टर इकबाल की कोई दाढ़ी नहीं थी, दाढ़ी रखने का रवाज ही नहीं था सरकार। आज तो नौजवानों ने दाढ़ियां रखी हुई है। पुराने जमाने में औरतें ज्यादा कोई पर्दा करती थी तो कोई बड़ी चादर ले ली बस। आज प्रॉपर आप कराची में, इस्लामाबाद में, ये मॉडर्न सिटीज हैं, देखें हजारों बच्चियां पूरा पूरा नकाब करती हैं। इस्लाम की तारीख ने इतना मुबारक दौर पिछले 1200 साल में नहीं देखा जो आज है। और ये सारा क्रेडिट मैं दुनियावी तालीम को, टेक्नोलॉजी को, साइंस को देता हूं। मैं साइंस का शुक्रगुजार हूं जिसने हालात वाकयात फेवरेबल किए हैं, कि जिसकी वजह से हम दीन को भी क्रिटिकली नॉलेज की बेस पे देख रहे हैं, जिस तरह के हम अपनी दुनियावी तालीम को लेकर चलते थे और 2+2=4 लेके चल रहे हैं। ये सारा कुछ अल्लाह ताला ने हमें दिया, और देखे फ्री दिया है। यूट्यूब अल्लाह का बहुत बड़ा मोजज़ा है इस प्लैनेट अर्थ, अगर सही इस्तेमाल किया जाए मुफ्त दिया हुआ है, उल्टा वो आपको पैसे देता है। सरकार अगर आपको अपना टीवी चैनल खोलना पड़ जाए, मुझे बताएं, हम तो सारे मिलके भी उसकी लाइसेंस की फीस नहीं दे सकते। और यहाँ हमने 2500-3000 रुपए में एक इंटरनेट का कनेक्शन लिया हुआ है, और पूरी दुनिया में आग लगाई हुई है। वो मदनी आग की बात कर रहा हूँ, यानी एक रोशन आग जिससे लोग फैज़ पाए। क्या बात है यार, कितनी इंफॉर्मेटिव वीडियो थी ये, मतलब जो पूरे 15 मिनट की वीडियो थी, और मतलब पूरे 15 मिनट इज लाइक पैक ऑफ नॉलेज। इतना उन्होंने सब कुछ अच्छा अच्छा बताया, और लास्ट में जैसे उन्होंने बताया कि आपको YouTube भी दिया है, तो YouTube को भी आप इस्तेमाल करो अच्छी चीजें देखने के लिए। अब इसको भी लोग गंदी चीजें देखने के लिए भी कर सकते हैं, या दिमाग गलत गलत न्यूज देख के भी कर सकते हैं, बट हाँ आप इसको अच्छी चीजें देखने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो। और बाकी जैसे बात की जाए इमाम मेहदी, इमाम मेहदी की हम लोगों ने पहले भी वीडियो देखी थी, हमें उनमें उस वीडियो से पता चला था कि इमाम मेहदी कौन होंगे, जब कयामत आएगी तो उनका उसमें क्या रोल होगा। आज उस वीडियो में हम लोगों ने दज्जाल को देखा था, बट हम समझ नहीं पाए थे पूरी तरह। आज हमें पता चला कि दज्जाल का क्या रोल होगा, उनका एक नेगेटिव रोल होगा, इतना नेगेटिव होगा कि इमाम मेहदी भी उसे मतलब लड़ नहीं पाएंगे। तो उसके लिए खुदा एक अलग पैगंबर भेजेंगे, अल्लाह एक अलग पैगंबर भेजेंगे, जो कि मतलब प्रॉपर आएंगे ऐसे, और फिर सीढ़ियों से नीचे उतर के आएंगे। जैसा जैसा इन्होंने बताया, अली मिर्जा जी की बातें हमेशा से ही हमें अच्छी लगती हैं, और मतलब ये बातें बहुत सुलझी हुई करते हैं ताकि सब समझ पाए। ऐसा नहीं है कि मतलब कोई कोई बंदा समझ पा रहा है, बाकी किसी को समझ नहीं आ रही। तो ओवरऑल वीडियो बहुत अच्छी थी, बहुत इन्फॉर्मेटिव थी, बहुत अच्छी लगी मुझे आज। वाकई में आज की इस वीडियो में मैं स्पेशली जो है वो इंजीनियर साहब जी की तारीफ करना चाहती हूँ। उन्होंने गागर में सागर भरने वाला काम किया है, यानी बहुत कम लफ्ज के अंदर उन्होंने पूरी जो हिस्ट्री है उसका बयान जो दिया है, मैं सोच में पड़ गई थी कि कैसे उन्हें इतनी हिस्ट्री याद है। वो वाकई में बहुत, उनकी नॉलेज बा कमाल की है। मतलब किसी भी टॉपिक में आप उनसे बात करवा लीजिए, आप हमेशा एक साइंटिफिक नॉलेज उनसे पाएंगे, एक लॉजिकल बातें हमेशा उनकी बातों में आपको दिखाई देंगी, हमेशा आपको कोई ना कोई फैक्ट नजर आएगा उनकी बातों पर। तो आज भी उन्होंने जो बातें बताई, हमने लास्ट वीडियो में जाना था कि इमाम मेहदी जी जब आएंगे, कयामत आएगी, और उसके बीच में हमने ये दज्जाल वाली फोटो देखी थी जिसमें वो एक आंख वाले किसी शख्स का जिक्र कर रहे थे, तो हमने देखी तो तुम सोचते थे कि पता नहीं ये क्या, इस वीडियो में ये क्या चीज है, ये कोई शैतान है या किसका रूप है। तो इस वीडियो में उन्होंने हर चीज बहुत अच्छी तरीके से बताई, और ये जानकर तो बहुत ज्यादा खुशी हुई जब इंजीनियर साहब ने कहा कि आज के टाइम पर जो मुल्क है वो धीरे धीरे जो है इस्लाम धर्म को एक्सेप्ट कर रहा है, इस्लाम धर्म की तरफ अपना रुख कर रहा है, और पूरी तरीके से प्रॉपर जो है इस्लाम धर्म को एक्सेप्ट कर उनकी तरह ही बनने की कोशिश कर रहा है। तो ये जानकर बहुत अच्छा लगा, आज की वीडियो वाकई में बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव थी। ठीक है गाइस, तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, होप करते हैं आपको भी अच्छी लगी होगी। अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके जाना, चैनल पे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।